वेलकम टू अवर चैनल गाइस, स्वागत है आप सभी का माय टेक चैनल पे। सो आज मैं आप सबको बताऊंगा कि ये रिपल क्रिप्टो करेंसी जिसका सिंबल XRP है क्या है इसका सीन, मार्केट कैप वैल्यू क्या है और क्या हमको इस क्रिप्टो करेंसी में इस 2021 में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। सो बिना कुछ टाइम वेस्ट करिए चलो शुरू करते हैं इस रिपल के बारे में। सो रिपल क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि आपको पता ही है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली क्रिप्टो करेंसी है। मतलब बेसिकली ये जो रिपल टेक्नोलॉजी है, ये सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड है अपने ट्रांजैक्शंस के लिए बेस्ड है। ये सारी जितनी भी है, ये नेटवर्किंग और ट्रांजैक्शन पे रिपल यूज़ होता है। और जितनी भी टेक्नोलॉजीज, ये नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है बैंकिंग में, ये नई इंप्लीमेंट हो रहा है बाहर के बैंक्स में, अभी इंडिया में तो हुआ नहीं, बट ये सारा नेटवर्किंग पे और ये मनी एक्सचेंज पे ही बेस्ड है। सो जो रिपल क्रिप्टो करेंसी है XRP, इसका आफ्टर बिटकॉइन और एथेरियम सबसे बड़ा मार्केट कैप, जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, ये रिपल होल्ड करता है। सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि रिपल अगर बेसिकली देखा जाए तो थर्ड नंबर क्रिप्टो करेंसी है आफ्टर बिटकॉइन और एथेरियम, नंबर 3 पे रिपल आती है। सो हम बात करते हैं कि हमको रिपल में क्या सीन है इसका अभी इस टाइम 2021 में, और हमको इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। बट सारी चीज़ों से पहले मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि रिपल का ये प्रीवियस ही, मतलब पिछले महीने ही बहुत बड़ा इस पे लॉसूट फाइल हुआ था। SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने इन पे अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज की थी, क्योंकि इन्होंने बिना लॉ से रजिस्टर कराई बहुत सारी सिक्योरिटीज इशू कर दी थी XRP के फॉर्म में। तो जो SEC है, उनका कहना है कि इन्होंने फ्रॉड किया है क्रिप्टोकरेंसी मार्केट वगैरह में, और इनका मतलब जो ICOs हैं वो सारी ही इनकी फ्रॉड है। सो उसकी वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था मार्केट में। अब इसे कह सकती है, देख सकते हैं, SEC ने रिच किया कि रिपल अनलॉफुल इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज़ किया था। और जब ये अनाउंस न्यूज़ आई तो रिपल का प्राइस बहुत बुरी तरह क्रैश किया। रिपल जब ये न्यूज़ अनाउंस हुई तो 51% तो उसी समय क्रैश कर गया था इसका प्राइस। जैसे कि आप देख सकते हैं $0.25 पहुंच गया था, और उसके बाद ये जैसी आई नीचे जाता गया। फिर उसके बाद ये बाद में थोड़ी सी रिकवरी हुई उसकी 0.37, और जब ये आर्टिकल लिखा गया था उस टाइम इसकी प्राइस $0.29 थी USD। सो हम अब जब भी बात करेंगे कि रिपल की हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, हमको ज़रूर ये लॉ सूट को दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये सारा जो फ्रॉड इन पे हुआ था। अभी हमको पता नहीं है कि इसका रिजल्ट एंड रिजल्ट है क्या, ये अभी हमको बाद में पता लगेगा। मेरे ख्याल अभी इसके रिजल्ट आया नहीं है, सब ये जाँच हो रही है इन चीज़ों की। बट हमको ये ज़रूर हमको ध्यान में रखना होगा कि ये चीज़ भी हुई थी, लॉसूट फाइल किया था, और ये थर्ड नंबर की क्रिप्टोकरेंसी है मार्केट शेयर में। सो आगे बात करते हैं क्रिप्टो रिपल की। तो अब हम रिपल के चार्ट पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया थर्ड नंबर की क्रिप्टोकरेंसी है, बट हाँ अभी इसका रैंक नंबर 4th चल रहा है एज़ कम्पेयर इन मार्केट, ऊपर नीचे में इसका रैंक नंबर 4 पे है। मार्केट कैप आप देख सकते हैं लास्ट 24 आवर्स में 0.62% में मार्केट कैप अप है, और मार्केट कैप 6.02% से पूरा अप है। जो एक्सचेंज वॉल्यूम, जो पिछले 24 आवर्स में एक्सचेंज वॉल्यूम है, वो 3% से कम हुई है। मतलब कि थोड़े लोगों ने अब रिपल को होल्ड करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने रिपल को, जब लॉसूट फाइल हुई थी, जब रिपल का प्राइस लॉसूट फाइल होने पे एकदम $0.25 गया था, तब लोगों ने रिपल को ज़रूर ख़रीदा होगा। मतलब कि लोगों ने उनको ख़रीदा होगा। अब जो लोग रिपल को ख़रीद रहे हैं, वो लोग उनमें से मेजॉरिटी थोड़े लोग उसको होल्ड कर रहे हैं ताकि वो रिपल के वापस आने की बात करें। आप देख सकते हैं पिछले, अभी रिपल की करंट वैल्यू $0.32 है अगर हम राउंड ऑफ करके देखें, और ये पिछले 24 आवर्स में 0.54% लो गई है। इससे आप ज़रूर ये समझ पाए होंगे कि रिपल एक छोटे से मार्जिन में, पिछले 24 आवर्स में लो 0.31 था और हाई 0.36 था, ज़्यादा फर्क नहीं है। बट हाँ, अगर आपने हाई अमाउंट में क्रिप्टो ख़रीदा था तो एक सिग्निफिकेंट छोटा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपने ज़रूर अर्न किया होगा। अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें कि जो पब्लिक में सर्कुलेट हो रहे हैं, सिर्फ 45% ऑफ कॉइन्स हैं जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं। ज़रूर जब ये लॉसूट फाइल किया होगा तो आधे कॉइन उन्होंने टेक डाउन किए होंगे या कुछ हुआ होगा। आइए तो अब हम देखते हैं चार्ट, रिपल का चार्ट देखें। तो रिपल की वैल्यू अगर हम ऑल टाइम का चार्ट देखें तो 11 अगस्त 2013 में $0.004 का था,
उसके बाद जाते 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 रिपल ने यहाँ पे आके ये जो है यहाँ पे अपनी प्राइस $3 तक लेके गया था। $3 हुई थी और उसके बाद ये $3 कब हुई थी, $3 हुई थी 7 जनवरी 2018 में। रिपल $3 पे गया था, $3.3। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना शुरू हुआ, नीचे आया गया आया गया आया गया आया गया आया गया नीचे होता गया। उसके बाद अगस्त 2020 में हम एंटर हुए, 2020 के यहाँ पे, इस यहाँ पे ये पीक पे था 2020 के। अगर हम देखें आई थिंक ये 0.67 पे ये पीक पे था, और उसके बाद जब ये लॉस आउट फाइल की गई तो भी नीचे है, और ये आज की डेट में ये है बहुत लो है, आज की डेट में ये 0.32 है। अगर हम पिछले एक साल का चार्ट देखें तो इसलिए पिछले एक चार्ट में हम वेरिएशंस देख सकते हैं कि जो रिपल का हाई गया है वो ये गया है। रिपल का जो बिल्कुल हाई पॉइंट था वो $0.68 गया था 25 नवंबर को, और उसके बाद जब ये लॉस आउट वाला केस हुआ तो ये इस साल में लो गया है टिल 0.19 USD तक गया है इसका लो प्राइस, मतलब बहुत लो चला गया था। और उसके बाद देखिए आप ही लॉस आउट के बाद इस साल इसने फिर से थोड़ा बहुत गेन किया और ये 0.34 पे था, और आज आपको पता है ये 0.32 पे है। अगर हम इसका एक महीने का चार्ट देखें तो एक महीने में इसकी, मतलब आप देख सकते हैं ग्रीन वाली लाइन रिपल की है, तो रिपल का हाईएस्ट पॉइंट इस एक महीने में 17 दिसंबर को गया था 0.65, और उसके बाद ये नीचे आया लॉस आउट फाइल हुआ होगा और नीचे आया, उसके बाद ये यहाँ तक पहुँच गया था 0.23, उसके बाद ये फिर से राइज किया है टू 0.33। सो जैसे कि आप देख सकते हैं बिटकॉइन की भी है कि बिटकॉइन की प्राइस, जैसे आपको पता है बहुत ही बुलिश ट्रेंड पे चल रहा है बिटकॉइन। सो हम कुछ कह नहीं सकते इसका क्या सीन है, ये जो लॉ सूट फाइल किया उस पर बहुत डिपेंड कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में इसका प्राइस ऊपर गया था, ऊपर तो गया है, ऊपर यहाँ पे गया है 3.35 तक गया, उसके बाद ये कंसिस्टेंट है, मतलब 3 से नीचे नहीं गया किसी भी पॉइंट पे। ये देखें 3 से नीचे नहीं गया, 3.0 तक भी गया था, यहाँ पे 3.0 तक गया है, 2.9 तक भी गया, बट हाँ इसने ज़्यादा अपनी खुद को लॉस में डाला नहीं है। आप देख सकते हैं ये देखें, सो आज के दिन में हाईएस्ट गया है 0.36 तक, बट ये अभी 3.2 है, अभी लो गया है। एक दिन में भी आप चार्ट देख सकते हैं, अगर हमें एक दिन का आधा भी डिटेल में निकालूं तो आप देख सकते हैं क्या सीन चल रहा है इसका। ये बनता जा रहा है, अब ये 3.5 पे है और ये ऐसे चलता रहेगा। सो हम बेसिकली फिर से चलते हैं डे के चार्ट पे। तो रिपल का हम यही कह सकते हैं क्योंकि देखें एक्स अभी 0.3236 है, प्राइस चेंज 2% हुआ है पिछले लास्ट 24 आवर्स से, मतलब $0.007 तक गया है। लो और हाई तो देखा ही है आपने, लो 3.1 तक गया है और 0.31 तक गया है, और हाई 0.36 तक गया है। ज़रूर $0.05 का प्रॉफिट है, बट आपको पता ही हो तभी उनको ही होगा जिन्होंने बहुत हाई स्केल में उसको लिया होगा, मार्केट डोमिनेंस कम है। मार्केट कैप ज़रूर बढ़ा है इसका, और फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप ज़रूर बढ़ा है, बट हमको कुछ खास इस पर प्राइस पर फर्क कभी दिख नहीं रहा। अब हम नीचे चलते हैं, जो पिछले 24 आवर्स में है रिपल की वैल्यू 0.03378 है, ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देख सकते हैं अप गया है 6% लास्ट 24 आवर्स में, और नंबर 4 पे मैंने आपको बोला क्योंकि आपकी इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। मार्केट्स प्राइस देख सकते हैं आप, ये बाइनेंस वगैरह पे इसका क्या प्राइस चल रहा है, 0.3332 मतलब आप अगर बाय करना हो इन एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम वापस ऊपर चलते हैं, सो अब हम चलते हैं मार्केट में। मार्केट रेट्स आप देख सकते हैं 0.32 हर, मतलब 3.2 पे मिल ही रहा है, कहीं पर 3.3 पे भी है, और आप देख सकते हैं जैसे कॉन्फिडेंस हाई है एक्सचेंजेस पे, कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है इसका आप देख सकते हैं। अब हम अगर हम हिस्टोरिकल डाटा पे जाएं, सो आज इसका ओपन जो हुआ था 9th को इसका ओपन 3.2 पे हुआ था और हाई 3.33 था, बट ये लो भी 3.0 था 0.30, बट 3.2 पे क्लोज हुआ, मतलब एवरेजली क्लोज उसी पे हुआ। आप देख सकते हैं कि पीछे इसका प्राइस बहुत लो चला गया था, 2.1 तक भी था December 31st को, बट 1st जैन से मैंने देखा जैसे सारी क्रिप्टोकरेंसी ही अजीब सी बुलिश हुई पड़ी है,
ये साल ही ऐसा चढ़ा है क्रिप्टोस का कि इस पर इतना सब कुछ हो रहा है। तो आप ये चार्ट ध्यान से देख सकते हैं। तो रिपल का प्राइस 2.5 से लेकर 3.5 पे पिछले एक महीने में कंसेक्टिव सा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। 11th नवंबर को भी 0.25 पे था और आज है 10th जैन 0.32, तो ये थोड़े 10.10 पे थोड़ा ना कंसिस्टेंसी सी दिखा रहा है मेरे को, जितना दिख रहा है 0.10 के मार्जिन से कंसिस्टेंसी दिखा रहा है। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका सीन क्या है और आगे, तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी है तो लाइक ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएं, तो आपकी आपको मेरी हर एक नई वीडियो का पता लगता रहे। न्यूज़ में आपको अगले सेक्शन में बताऊंगा, मतलब देख सकते हैं आप इसका बहुत वो हो रहा है, हायरिंग भी कर रहे हैं लोग। ये तो न्यूज़ वगैरह इनके अपना पेज होगा, ये तो कुछ खास नहीं है। अब हम देखेंगे रेटिंग्स। रेटिंग्स इसकी हेल्थ 8% है और मतलब सप्लाई आप देख सकते हैं इधर उधर जा ही जा रहा है। मार्केट अपॉर्चुनिटी 5 है, क्योंकि मैंने आपको बताया ग्रेड इसका डी इसलिए है क्योंकि जो लॉस आउट फाइल हुआ है ना उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। मार्केट अपॉर्चुनिटी तो करके 0। मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि बहुत सारी बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ने डीलिस्ट कर दिया है XRP को, क्योंकि उनका बहुत बड़ा जो आपको बताया लॉस आउट फाइल किया गया है, $1.3 बिलियन की सिक्योरिटीज़ जो थी उसकी वजह से इसका सब कुछ लो पे है। देखें आप मार्केट अपॉर्चुनिटी भी, इको स्ट्रक्चर भी, टोकन इकोनॉमीज परफॉर्मेंस सब लो पे चला गया, क्योंकि ये जो लॉस आउट फाइल किया गया ना $1.3 बिलियन का बहुत बड़ा है। आप जैसे देख सकते हैं SEC दो सिक्योरिटी एक्सचेंज ने रिपल पे बहुत बड़ा किया है, तो कि इनका जो फ्यूचर ब्राइट है नहीं, कुछ भी हो सकता है, टोकन इवन बंद भी हो सकता है, बहुत अनसर्टेन टोकन है। सो मैं अभी आपको जो इस वीडियो में अब बताऊंगा वो आप ध्यान से सुनिएगा। एनालिसिस पे चलते हैं। ओह एनालिसिस का डाटा ही नहीं है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा मैं इस चीज़ के लिए, बट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा। अब हम वापस चार्ट पे चलते हैं। देखें कॉइन बहुत अनसर्टेन है, लॉ सूट फाइल हुई है, अब मेरे को नहीं पता कि कंपनी वाला जो ओनर है वो इस लॉ सूट को क्लेम कैसे करेगा या क्या स्ट्रेटजी निकालेगा ताकि उसकी कंपनी बच सके, मैं ये आपको ज़रूर बोल दूँ, ठीक है। सो मेरा आपको कहना ये है, जो मैं अभी हम न्यूज़ वगैरह भी सब देखेंगे, बट पहला ओपिनियन मेरा ये है, अगर आपके पास ये क्रिप्टो है और अगर आप लॉस में हैं, सो मैं आपको कहूँगा नियरेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट मैं आपको बोलूँगा टारगेट इसका 0.6 रखें या 0.5 रखें और कम लॉस में इसको बेच दें, तो मेरे को लगता है आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे को लगता है जितनी भी कंपनी जिन्होंने भी इनको होल्ड किया है रिपल को, उन सब ने लॉसेस पे इसको ऑलरेडी बेच दिया होगा, बट फिर भी अगर आपके पास रिपल है तो मैं आपको कहूँगा इसको सेल ऑफ कर दीजिए। मेरे को इसकी अनसर्टेनिटी का कुछ खास लग नहीं रहा, आगे वीडियो में भी मैं आपको देख के बताऊँगा, बट मेरे को लगता है बहुत अनसर्टेन हो गया कॉइन, क्योंकि लॉस आउट फाइल किया $1.6 बिलियन, छोटा अमाउंट तो नहीं होता। मेरे को नहीं पता है क्रिप्टो वर्ल्ड में एक जो इसका ओनर है वो क्या करके इस लॉस आउट से हटेगा या जो भी है ये कंपनी कैसे हटाएगी। ये भी हो सकता है ये टोकन बैन भी हो जाए कई जगहों पे, या इस पर बिल्कुल ही कंपनी कैंसिल ही कर दे, अब ये सब बंद ही कर दे ये क्रिप्टो को, तो मैं कुछ खास कह नहीं सकता। मैं यही कहूँगा कि आप बैंक इसको सेल कर दें, मिनिमम लॉस में अगर इसको हो सकता है सेल कर दें, क्योंकि मेरे को नहीं पता इसकी वैल्यू जीरो धीरे धीरे करके ज़ीरो ही हो सकती है, बहुत चांसेस है। ट्रेडिंग वॉल्यूम लास्ट 24 आवर्स में 4.16% से अप है, इसका मतलब कि लोग अभी भी इसको ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, जो अगर लोग अगर हैं इसको अभी बाय कर सकते हैं और इसको अब बाय, अगर बहुत अगर तुम्हारे पास हाई अमाउंट है तो इसको हाई अमाउंट में बाय कर लो और इसको लो अमाउंट में जो थोड़े से प्रॉफिट में उसमें सेल कर देना, क्योंकि थोड़ा इसका अप पॉइंट ज़रूर आएगा, मैं आपको ये ज़रूर बोल दूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिपल की न्यूज़ के बारे में कि रिपल का चल क्या रहा है सीन। अब मैं आपको यहाँ पर भी देख लो क्या ये लास्ट 24 आवर्स में ये सब चल रहा है। इसका रिटर्न्स तो माइन नेगेटिव में ही है, बट आप देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस से तो ऊपर ही हैं, ट्रांजेक्शन इसकी बढ़ती जा रही हैं, टोटल सप्लाई देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और एंड में आपके लिए एक बोनस टिप भी है।
ये देखिए रिपल की प्राइस प्रिडिक्शन फॉर 2021 एंड बियॉन्ड। जैसे आपको पता है रिपल का फाउंडर है, उसने रिपल को पब्लिक बनाया, ही डम्स 19 मिलियन उसने डंप कर दिया। आपको पता ही है कि रिपल वन ऑफ द मोस्ट फोर क्रिप्टोकरेंसी लीडर, मैंने आपको बोला था बिटकॉइन एथेरियम टीदर और उसके बाद रिपल ही आती है। सो इसलिए इस करके जो रिपल पे है लोग थोड़ा ध्यान भी रखते हैं, क्योंकि आपको पता ही है रिपल आफ्टर बहुत बड़ा मार्केट कैप शेयर करता है, आप देख सकते हैं। वही बात है कि आप ये देखो इसमें लिखा है कि आप रिपल में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्यों? क्योंकि जो 55 बिलियन आउट ऑफ 100 बिलियन रिपल्स हैं वो एस्क्रो में है। दिस मीन्स इट अवॉइड्स अ डिक्रीज इन रिपल प्राइस, मतलब जो मोर देन 55% ऑफ जो XRP कॉइन्स हैं वो एस्क्रो में है, जो इसके मतलब से इसका प्राइस होगा नहीं कम। और क्विक सेफ एंड चीप एक्सचेंज प्रोसीजर, क्योंकि रिपल का यही है क्विक एक्सचेंज और मतलब क्विक सेफ और चीप एक्सचेंज पूरी दुनिया में करना, अब आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई तो ये गया था, देख सकते हैं आप 0.34 डॉलर तक गया हुआ है 2018 में और लोएस 0.02 गया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो पीछे हुआ है सीन, ये देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है, देखो फॉल 0.25 तो गया था जब उसने इशू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने जब किया है कि अनलॉफुल इश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटीज, जब 2020 ख़त्म हुआ था मतलब 31 को 0.28 डॉलर्स पे था। अब प्रिडिक्शंस अगर हम देखें, अगर जनवरी 2020 में एक कॉइन अगर 0.20 डॉलर्स पे था तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? कई लोग कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन वगैरह की जो बहुत वो चल रही है बुलिश सा काम, उसके करके ड्राइविंग इनटू द मार्क $3 mark, मतलब कि $3 marks तक भी जा सकता है। अगर जैन में देखें इट हैज़ एक्वायर्ड ओवर 150% ऑफ द स्टार्टिंग प्राइस रेंज अराउंड 0.35, मतलब 0.20 से 0.35% गया, मतलब 0.35 डॉलर्स तक गया, 0.2 से 0.3 डॉलर्स गया है। सो अगर लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ तो कर सकते हैं, बट जो प्रिडिक्शन एक ये भी है कि बाय द एंड ऑफ मार्च 0.15 भी जा सकता है और उससे भी लो जा सकता है। बट ये है कि आपने अगर प्रॉफिट निकालना है, आप अगर अभी रिपल को बाय कर सकते हैं तो आप प्रॉफिट निकाल ज़रूर पाएंगे, मेरे को जितना लग रहा है। आप देख सकते हैं 0.23 से स्टार्ट हुआ था, एक्सपर्ट्स प्रिडिक्टेड XRP विल ट्रेड एट एवरेज प्राइस ऑफ 0.83 बाय द एंड ऑफ जनवरी 2021। मतलब कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है, आज अगर आप देखें 10th January है तो बाय द एंड ऑफ 2021 आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि 0.83 डॉलर्स तक जा सकता है। एंड बाय द एंड ऑफ 2021 दिसंबर 2021 रिपल की प्राइस 0.65 डॉलर्स तक भी जा सकती है। ये थोड़ा सीरियस काम है, ये अपन को देखना पड़ेगा क्या सीन क्या है, ये बड़ा अजीब सा हो गया। बट हाँ ये भी है, आप देखिए रिपल की जो 5 साल की प्रिडिक्शन है कि 4 to 8 डॉलर विसिनिटी में है, बट मेरे को ये है कि ये कॉइन करेगा सही, इसके जो इस पर लॉस आउट फाइल हुआ है उसका क्या सीन बनेगा, मैं उसकी ज़रूर वेट है, क्योंकि कई लोग तो कह रहे हैं बाई 2025 $6 तक भी पहुँच जाएगा रिपल, बट हाउ इट इज़ पॉसिबल मेरे को समझ सा नहीं आ रहा। लोग कर तो रहे हैं, capital.com ने सब ने कहा है कि एवरेज एंड ऑफ 2021 0.30 से होगा, बिगनिंग 0.5 एंड ऐसे ऐसे करके बाय द एंड ऑफ 2025 0.5 से 0.6 डॉलर्स पे ये होगा। आप देख सकते हैं कई लोग इसको इन्वेस्टमेंट हेवन भी कहते हैं, बुलिश आउटलुक ये कह रहे हैं क्योंकि मार्केट बहुत बुलिश है अभी इस टाइम पे, कुछ भी कह सकते हैं, न्यूज़ देखें एक्सपेंशन तो होगी इसकी, बट हर चीज़ ठीक है, सब चीज़ें सही है, बस मेरे को इसके जो ये अभी चल रहा है ना लॉस आउट, मेरे को उसके करके हैं कहीं आप लोगों को बहुत सारा लॉस ना हो जाए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें ये भी हो सकता है लॉस हो जाना ही है, नीचे जाना ही जाना है अगर आप ये देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि XRP को आप माइन नहीं कर सकते। XRP ये देखें रिपल टेनेट टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताया था $2 कंपेयर किया हुआ इन्होंने, माइट और बाय द एंड ऑफ 2021 1.20, और कई बार तो कई सोचते हैं कि ये $2 तक भी जा सकता है। अब देखें
XRP माइन नहीं हो सकती, जैसे कि मैंने आपको बताया, एट द वन हु रिलीज देम, जो जनरेट करते हैं वो ही रिलीज करते हैं। ये है कि ट्रांजेक्शन टाइम बिटकॉइन 10 मिनट्स और XRP 5 मिनट ले सकता है, और XRP 1. कई भी एफक्यूज हैं इसके अकॉर्डिंग $1.5 तक पहुंच सकता है इस 2021 में, और $4.52 तक पहुंच सकता है बाय द एंड ऑफ 2025। सो एक तो ये हो गया हमारा एनालिसिस। सेकंड एनालिसिस ये है कि जो रिप्पल है बिटकॉइन के बाद कह रहे हैं कि इसमें बोला है टू ट्राई मार्केट आफ्टर द बिटकॉइन बुली रैली एंड्स। जैसे कि आपको पता ही है बिटकॉइन तो अलग ही लेवल पे चल रहा है। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय एनालिसिस, एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आफ्टर बिटकॉइन रिप्पल ही आगे बढ़ेगा, रिप्पल बुलिश जाने वाला है। तो मैं इसमें कुछ खास कहूँगा नहीं, कह सकते हैं कि जा भी सकता है या नहीं, बट ये है इस रिप्पल ट्राइंग टू सेटल विद SEC। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो इनका SEC लॉस होता है उसने बहुत गंदा उस पर इफेक्ट किया हुआ है, बिल्कुल नीचे तक ही ले गया प्राइसेस को, मे बी अपना ऑल टाइम लो को भी टच कर सकता है अभी भी। देखते हैं क्या होता है, ये एक चीज़ है, बट ये होप तो है कि एक बार जब ये SEC क्लैरिटी डन हो जाएगी तो इसका प्राइस ज़रूर अप जाएगा। तो अब हम यहाँ तक पहुँचे तो मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि अगर आप अभी यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो अभी के टाइम पे आप अगर रिपल बाय करते हैं, ये डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि आप प्रॉफिट ज़रूर गेन कर सकते हैं। अगर आप एक लार्ज अमाउंट में, मान लें अगर आप 50-100 डॉलर इन्वेस्ट कर सकते हैं रिपल में, या जो स्टूडेंट्स हैं अगर 50-100 डॉलर कर लें, या अगर बड़े लोग हैं तो इवन $1,000 तक भी इन्वेस्ट कर लें, सो एट अ टाइम वो शायद प्रॉफिट गेन कर सकते हैं काफ़ी अमाउंट में। बट हाँ, ये सब आपका अपना रिस्क है, ये आपके रिस्क में, ये मेरी खुद की एनालिसिस है। मैं आपको कहूँगा नहीं कि आप रिपल बाय करें या कुछ भी करें, ये आपकी खुद की एनालिसिस है, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये सारे वही है, 58% फॉल हुआ है वो SEC के केस के करके, बट इट इज़ सेड कि ये बहुत आगे तक जाएगा, 0.6 डॉलर तक जाएगा, जो कि इसकी अभी प्राइस से डबल है। जो आज प्राइस चल रही है इसकी 0.33 है, और एक्सपेक्टेड टू गो टिल 0.6, जो कि इसका डबल है। सो आप देख ही सकते हैं इसका है प्राइस प्रेडिक्शन, तो भाई इसका बहुत खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। प्राइस प्रेडिक्शन 2021 पे जाते हैं, कई कहते हैं $2 तक भी टच कर सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कोई ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है, ये माइन भी नहीं होती, तो ज़रूर इसमें कुछ तो ट्रेंड होगा। 2023 तक $3 कह रहे हैं, 25 तक 4.52 जा सकता है, 2030 तक $17 भी जा सकता है अगर हम लॉन्ग टर्म। तो मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ ये बहुत अच्छा मौका है, आप रिपल को लो प्राइसेस पे बाय करें। $10 में आपको 10 कॉइन तो मिलेंगे ही, $10 में आपको 3 कॉइन तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना। सॉरी, $10 में कितने, मैं खुद बेचारा कन्फ्यूज सा हूँ। $10 करेंगे तो आपको कॉफ़ी कॉइन मिल जाएंगे, बट मैं आपको ये ज़रूर कहूँ कि इन्वेस्ट करें लो पे ही, जिससे कि आपका फ़ायदा भी हो लॉन्ग टर्म के लिए। अगर कोई होल्ड कर सकता है, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है इन्वेस्टमेंट करना, तो ज़रूर रिपल पे करें, क्योंकि ये देखो लॉन्ग तो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये अभी मान लिया आप 0.5 पे भी खरीदते हैं, और कल को जाके $5 का भी हो जाता है थोड़े सालों बाद, बट आपने बहुत सारे अमाउंट में खरीदा है, डबल दी प्रॉफिट तो है ही आपको, 0.1 डबल भी, यार क्या ही कहूँ मैं आपको, कितना प्रॉफिट है मैं खुद नहीं कह सकता, 10 टाइम्स प्रॉफिट है यार। मेरा कहना यही है, आप रिपल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाँ ये ज़रूर आपका है, बट अभी मैं आपको ये ज़रूर कहूँ लॉस के लिए भी तैयार रहें, रिपल नीचे जा सकता है, बट मैं आपको ज़रूर कहूँ कि आप प्लीज़ होल्ड ऑन करें इस पर, कॉइन बहुत ट्रस्टवर्दी है, मेरी बात माने। DeFi पे भी आपको पता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग पे भी बहुत चल रहा है, आपको पता ही होगा। यही है इस पे, तो क्योंकि प्रिडिक्शंस आपको पता ही है, जो कम्युनिटी, यार देखो आप, ये इसने राइज तो करना ही है, आप देख सकते हैं कि 0.22 से 0.345 तक तो पहुंच ही गया था 24 आवर्स में ही। बुलिश जाने का पूरा पूरा चांस है बिटकॉइन के बाद इसका। मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इस पर आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। रैली भी हो सकता है बिल्कुल, 50% तो इसने एक ही दिन में ग्रो कर लिया था ना। मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस पर अपना टाइम और सब कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर कहूँगा इस पर आप इन्वेस्ट करें, अच्छा कॉइन है।
बस इसका लॉस आउट क्लियर हो जाए, मेरे को बस उसका थोड़ा करके है कि आपको लॉस ना हो। सो पॉसिबिलिटी नहीं, मैं कह पक्का नहीं कहता, बट हाँ ये कॉइन बहुत लो भी जा सकते क्योंकि इसको बहुत सारी एक्सचेंजेस ने रिमूव भी कर दिया है। सो मैं आपको ज़रूर कहूँगा एक बार उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। सो इस वीडियो में इतना ही XRP के बारे में। आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट क्लियर ना हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं, और कमेंट करके मेरे को अगली वीडियो, अगर आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी टोकन के बारे में जानना है या आप उससे एनालिसिस चाहते हैं कि उसकी सारी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है और उसके रिगार्डिंग न्यूज़ चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं कौन सी क्रिप्टो करेंसीज आप जानना चाहते हैं। और लाइक करें वीडियो को अगर पसंद आए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताएं कि भाई रिपल है, कर लो इन्वेस्ट यार, कमी है। इंडियन स्टूडेंट्स को मैं ज़रूर बोलूँगा इस पर इन्वेस्ट करें अगर हो सके, प्रॉफिट गेन यार बड़ा अच्छा कर सकते हो तुम लोग। मेरे को पता है इंडियंस का दिमाग बहुत होता है, नो बायसिंग। फॉरनर्स भी कर सकते हैं, फॉरनर्स तो ह्यूज अमाउंट में करते हैं, बट मैं बेसिकली स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स राइजिंग है। म्यूचुअल फंड्स वगैरह के अलावा भी आप बिटकॉइंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसे का प्रॉफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में गेन कर सकते हैं। सो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। सो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सी या गाइस।